मित्रों नमस्कार, यह यूपीटेट 2018 की उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही काम की न्यूज़ है जिन्होंने फॉर्म भरते समय बड़ी मिस्टेक कर दी थी। तो आइए देखते हैं पूरी अपडेट क्या है। यूपीटेट 2018, आप यहाँ देख सकते हैं, यूपीटेट 2018 में फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत से अभ्यर्थियों ने अनेक मिस्टेक कर दी थी, मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी थी, जिसकी वजह से उन अभ्यर्थियों को आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत से अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई करते समय एक ही रजिस्ट्रेशन पर एक से अधिक बार आवेदन शुल्क 600 रुपये जमा कर दिए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने 2-3 बार भी शुल्क इस पर जमा कर दिया, क्योंकि उसमें जो भी फॉर्म अप्लाई करते समय फीस सबमिट कर रहे थे, तो कई बार फीस सबमिट हो जा रही एक ही रजिस्ट्रेशन पर, तो आज तक उन्हें वह रुपया वापस नहीं मिल पाया। बैंक अधिकारियों से भी बात करने के बाद वो टाल मटोल करते रहे। अब वो निश्चिंत हो जाएं, शीघ्र अब उनका पैसा उनके अकाउंट में रिफंड होने वाला है। देखिए कब, तो कब तक आपके अकाउंट में पैसा रिफंड होने वाला है? अभी तो सरकार का ध्यान इधर गया नहीं, अब सरकार का इधर ध्यान गया तो आपके पैसों की चिंता उनको हो रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि कब तक आपको पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। तो पूरी अपडेट देखने से पहले मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की न्यूज़ अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन को सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरी अपडेट क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रयागराज की ये अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2018 के आवेदन के दौरान एक ही पंजीकरण पर 2 या 3 बार फीस जमा करने वालों की फीस वापसी 30 अक्टूबर के बाद होगी। 30 अक्टूबर तक आवेदन की स्थिति स्पष्ट होने के बाद बैंक की ओर से संबंधित व्यक्ति के खाते में रुपए वापस डाल दिए जाएंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि बैंक के अफसरों से बात हो गई है और एक से अधिक बार फीस जमा करने वालों का अतिरिक्त भुगतान 30 अक्टूबर के बाद वापस उनके खाते में भेज दिया जाएगा। तो ये बहुत ही काम की न्यूज़ है उन लोगों के लिए, और आप अपने उन मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं जो इस चीज़ का शिकार हो गए, मैंने उन्हें कई बार फीस सबमिट कर दिया और उनका पैसा अभी तक रिफंड नहीं हो पाया है। तो धन्यवाद मित्रों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।